हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं पाव पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ रेड कलर का शिमला मिर्च को थोड़ा बारीक से मोटा ही काटी हुई हूँ, आधा ले रही हूँ, और येलो कलर का शिमला मिर्च मैं एक ली हूँ, इसको बारीक से थोड़ा ऊपर मोटा काटी हुई हूँ, और यहाँ देखिए मैं आधी शिमला मिर्च ले रही हूँ ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कम येलो रेड ज़्यादा दिख रही है। फिलहाल तो मेरे पास यही था तो मैं यही यूज कर रही हूँ, आधा से भी थोड़ा कम है, इसको भी मैं थोड़ा बारीक से मोटा काटी हुई हूँ। और नमक डालकर ही अमेरिकन कॉर्न को मैं बढ़िया से उबाल ली थी, इसको मैं एक मुट्ठी ले रही हूँ, आप इसको भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकती हैं। और दो मैं मीडियम साइज का टमाटर ली हूँ, इसको बारीक ही काट ली हूँ यहाँ पर, और एक प्याज ली हूँ बड़े साइज का, इसको बिल्कुल बारीक ही काट ली हूँ। और यहाँ ऑलिव मैं ब्लैक कलर का ले रही हूँ, ग्रीन ब्लैक दोनों आप यूज कर सकती हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए इसमें यूज। और यहाँ देखिए मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग ले रही हूँ, ये 2 चम्मच मैं यूज करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे यूज कीजिए जितना अच्छा लगता है। और इस शीशे के बाउल में देखिए क्या क्या है, मेयोनीज मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर के ले रही हूँ, टमाटो केचप भी 2 से 2.5 चम्मच ले ली हूँ, और सेजवान सॉस मैं 1 चम्मच ली हूँ। इन तीनों को बढ़िया से मिला लीजिए, बहुत सुंदर ये सॉस बन जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगी। इसमें देखिए आप इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकती हैं। इन सब को देखिए इसमें बढ़िया से मिलाइए, इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। देखिए कितना अच्छा इसमें मिला दी, कितना अच्छा ये सॉस हमारा तैयार हो गया, और इसको बेस में हम लगाएंगे। अगर ये आपके पास नहीं है ना तो डॉक्टर ओटकर का फन फूड का वेज मेयोनीज आता है, आप इसे यूज कर सकती हैं। फिलहाल तो मैं अपने लिए इधर देखिए बाउल में सॉस तो बना ली हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको यूज कर सकती हैं। मैं यहाँ डाइस चीज़ ले रही हूँ, इसको 3 मुट्ठी लूँगी मैं, या अपनी इच्छा अनुसार इसे लीजिए, जितना आपको ये पसंद आता है उतना ही इसको चीज़ी बनाइए। मैं यहाँ डाइस चीज़ ले रही हूँ, आप मोजरेला चीज़ को भी कद्दूकस करके जितना चीज़ी बनाना चाहते हैं उतना डाल के इसमें बनाइए, बहुत मज़ा आता है। और देखिए ये मैं रेगुलर वाली जो पाव आती है ना 12 पीस की है, फिलहाल तो मैं 9 पीस ही यूज करूँगी, 3 पीस हटा दूँगी, मेरे परिवार के लिए काफ़ी है 9 पीस। और देखिए मैं इसको हटा दूँगी 3 पीस को, मेरे को 9 पीस ही चाहिए। देखिए इसको क्या है, नहीं पाव 9 पीस है ना, इनमें 3 हटा दी हूँ। आप इसको चाकू की सहायता से जैसा हो उसको आप काट सकती हैं, मैं केक वाला थ्रेड से ही इसको काट रही हूँ, इस तरह से मुझे इससे ही काटना अच्छा लगता है, चाकू से ऊपर नीचे हो जाता है, मेरे से ठीक से होता नहीं है, इसलिए मैं इस थ्रेड से ही कट करती हूँ। देखिए इस तरह से आप इसको चाकू की सहायता से भी कर सकती हैं, हल्का से ऊपर से प्रेशर देकर उसको बढ़िया से कटिंग करती जाइए। देखिए इस तरह से बहुत चिकनाई से कटती, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। अब बेकिंग ट्रे में इसको मैं रख दी बढ़िया से, और जो ये सॉस बनाई हूँ ना इसको बढ़िया से डाल दीजिए सब तरफ, और इसको बहुत सुंदर से स्प्रेड करना है, इसको बहुत सुंदर लगेगी, इसकी टेस्ट जो आता है ना इसका टेस्ट बहुत सुंदर लगता है। इसमें आप मेयोनीज तो टमाटो केचप तो सेजवान सॉस की मात्रा बढ़ा के इसका और सॉस डाल सकती हैं। देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दी हूँ मैं, इस तरह से आप बेकिंग ट्रे में डाल के बढ़िया से स्प्रेड कर लीजिएगा। आई इसमें देखिए प्याज शिमला मिर्च टमाटर जितनी भी सामग्री है ना इसको आप डाल दीजिए, आप इसको मिक्स करके भी डाल सकती हैं, आप बारी बारी से भी डाल सकती हैं। देखिए मैं प्याज डाल दी तो लाल कलर की, रेड कलर की शिमला मिर्च, तो येल्लो कलर की शिमला मिर्च, तो ग्रीन कलर की शिमला मिर्च, तो इन जितना भी सामग्री है इन सब को आप जितना भरना चाहें ना उतना
भर दीजिए, बच्चे बहुत प्यार से बहुत शौक से खाएंगे। और इसमें और घपला भी कर सकती हैं और दूसरा सब्जी भी इसमें बारीक काट के डाल सकती हैं, बीन्स वगैरह जो आपके बच्चे ना नुकुर करते हैं ना, इसको आप इस वाले बेस में इस तरह से डाल दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। और इसका ख़ास बात क्या है ना, जब एक कुक होती है ना उसके बाद हर एक पाव को निकाल के आप अपना सॉलिड ही खाइए। इस तरह से देखिए मैं ऑलिव वगैरह सारी सब्जियों को इस तरह से तीनों तरह की शिमला मिर्च डाल दी हूँ। और इसमें नमक मैं नहीं पहले मिलाई थी इसलिए कि इसमें पानी पानी हो जाता है, मैं ऊपर से ही देखिए रेगुलर वाली नमक इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से डाल दीजिएगा आप, इस तरह से मैं देखिए नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालेगा, बहुत ज़्यादा या कम मत कर दीजिएगा। अब जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है उसको डालूँगी, इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें सब तरह से मिक्स रहता है, बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ना जितना आपको फ्लेवर इसका पसंद आता है उस हिसाब से इसमें डाल दीजिए। पिज़्ज़ा सीजनिंग मैं डाल दी हूँ 1 से 1.5 चम्मच बढ़िया से। अब इसमें डाइस चीज़ डालना है, आप इसको जितना चीज़ी बनाना चाहती हैं उतना इसमें आप चीज़ डालिए। मैं फ़िलहाल तो यहाँ डाइस चीज़ डाल रही हूँ, आप मोजरेला चीज़ को भी कद्दूकस करके डाल सकती हैं। इस तरह से आप डालिए, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे तो बच्चे बड़े को भी रहा नहीं जाता, इसे देख के खाने का मन करता है। आप बेस को मैं इस तरह से भी अलग से पका सकती हैं, मैं फ़िलहाल तो इसके ऊपर और लगाऊँगी। जिनको बेस बनाना नहीं आता है उनके लिए बहुत परफेक्ट है। अब देखिए पाव जो आधी कटी हुई थी ना ऊपर से उसको डाल दी इस तरह से, और जो हमारी जो सॉस है इसमें डालकर बढ़िया से स्प्रेड करना है। इन सब्जियों को बाद में लगाऊंगी, देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए इस तरह से। और जो गैप में दिख रही थी ना मैं उसमें थोड़ा प्याज व्याज डाल दी हूँ, देखिए इस तरह स्प्रेड कर दी। अब जितनी ये शिमला मिर्च वगैरह जितनी है ना सबको मैं अच्छे से देखिए इस तरह से मिला दी। अब इसको भी बढ़िया से इस तरह से डाल दूंगी, कोई छिटने का लफड़ा नहीं, इसको बस मुट्ठी मुट्ठी इस तरह से हल्का हल्का हाथ से गिरा दूंगी। इसमें मैं बहुत सारी इसमें शिमला मिर्च सब का यूज की हूँ, बच्चे इसको इस तरह से खाते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ये और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। आप अपने बच्चों को इस तरह से देखे डाल के खिलाइए, बहुत अच्छी लगेगी। अब देखिए इसमें डाल दी ना मैं सब सब्जियों को, सारी शिमला मिर्च कॉर्न वगैरह को सब डाल दी। अब इसके ऊपर देखिए फिर से चीज़ डालूँगी और पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह सब डालूँगी, नमक वगैरह इसमें देखिए हल्का सा नमक इस तरह से छीट दीजिए जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से, देखिए रेगुलर वाली नमक मैं डाल दी अच्छा से, इसमें नमक डल गई। अब पिज़्ज़ा सीजनिंग जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से इसमें डाल दीजिए, देखिए मैं यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दी। और इसी सेम चीज़ को आप ना, मैं तो फ़िलहाल माइक्रोवेव में बनाना बता रही हूँ, आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है ना तो केक बनाने के लिए हम पतीला यूज करते हैं ना, नमक डालकर स्टैंड रखेगा और स्ट्रे को रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट ढक कर कम आँच में, बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब इसके ऊपर भी देखिए मैं नमक तो पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी, अब चीज़ जितना पसंद उतना चीज़ आप इसमें डालिए और अपने बच्चों को इस तरह से खिलाइए। देखिए इस तरह से मैं देखिए डाइस चीज़ डाल दी, आप इसमें मोजरेला चीज़ को भी कद्दूकस करके डाल सकती हैं, देखिए इस तरह से। अब इसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी, पहले से ही प्री हीट के लिए रख दी थी और इसको देखिए अब इसमें रख दूँगी बढ़िया से, इसको प्री हीट करूँगी 15 मिनट के लिए, देखिए इसको यहाँ रखी माइक्रोवेव में 15 मिनट के लिए, इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं प्री हीट कर रही हूँ इस तरह से, इसका बंद कर दी और देखिए इसको मैं 15 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। फिलहाल तो मेरी ऑटोमेटिक ही ये सेट हो जाती है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड बस किया और इसको ऑन कर दी, बस ये अपना काम करना शुरू कर देगी और ये 15 मिनट में बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। फ्रेंड आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप
बार बार सब्सक्राइब करती हैं, 2 दिन के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर देती हैं। ये तो लिस्ट में पूरा पता चल जाता है कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप ऐसा क्यों करती हैं? प्लीज़ ऐसा नहीं किया कीजिए। जुड़ना है तो कायदे से बढ़िया से जुड़िए, अच्छा लगता है। और आप दिखाती हूँ मैं आपको ये कितनी अच्छे से मेल्ट हो रही है मेरी ये पिज़्ज़ा, बहुत अच्छे से बन जाती है और बच्चों को खास करके बहुत पसंद आती है। देखिए परफेक्ट मेरी बन गई है और देखिए कितना अच्छा से ये मेल्ट हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से चाहिए परफेक्ट बन गई है। अगर आपको मेरे पाव पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियो पर। इसी तरह आया कीजिए। थैंक यू।